नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट पर रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण की जाए और कहीं कोई भी कमी अगर पाई जाती है तो उसमें तुरंत सुधार किया जाए। किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ ना हो, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। बहुत ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयां हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो, उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, मलबा आ जाता है, उनको हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की तत्काल व्यवस्था वो करी है। साथ ही सारे अधिकारियों को कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तत्काल सभी लोग हॉटलाइन पर हैं। संचार व्यवस्था के लिए भी कहा है कि हमारे मैसेज जो है नीचे तक लोगों के पहुँचें। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की आपदा के दौरान छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, छुट्टियां नहीं रहेंगी। और स्कूल भी जो है सभी जिलाधिकारियों को वहां के मौसम के अनुरूप, जैसे मौसम की भविष्यवाणी है उसके अनुरूप स्कूलों की छुट्टियां भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसको अभी छुट्टियां कर दी हैं। जहां हमारे यहां पर कांवड़ यात्रा भी इस समय चल रही है, तो कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र भी जिलाधिकारी अपने स्तर से अपने अपने स्थानों पर निर्णय लेंगे। सभी व्यवस्थाएँ ठीक प्रकार से चलें, आपदा के समय में सबको ठीक राहत पहुँचे उसके लिए। उत्तराखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने 22 जुलाई को होने वाली भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के चलते जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जहां एक और उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है, तो वहीं पूरे 9 जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं मौजूद हूं अभी हल्द्वानी में, और हल्द्वानी नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है, और आज हल्द्वानी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। हम पहुँचे हैं हल्द्वानी के गौला नदी क्षेत्र में और मैं वहाँ मौजूद हूँ। आपको आप देख सकते हैं अभी क्योंकि बारिश हो रही है और गौला नदी लगातार यहाँ पर जो उसका जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं गौला नदी का जो जलस्तर है वो हल्के हल्के लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ने का कारण यही है क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश हो जाने के कारण वो पानी गौला नदी में आता है और गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है। गौला नदी को आमतौर पर शांत नदी के तौर पर जाना जाता है, जीवनदायी नदी के तौर पर इस गौला नदी को जाना जाता है, लेकिन बरसातों में ये नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सभी जगह यहाँ पर इस नदी का तांडव कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देखने को मिलता है। जो लोग हैं वो भयभीत रहते हैं। आप देख सकते हैं गौला नदी से के पास यहाँ पर जिस तरीके से पानी का बहाव है, मटमैला पानी लगातार आ रहा है, इसका मतलब पहाड़ में जो बारिश हो रही है वो बारिश लगातार गौला नदी पर सीधे असर करती है। हालांकि अभी गौला नदी का जो जल स्तर है वो सामान्य ही कहा जा रहा है, खतरे के निशान पर नहीं पहुंची है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर बढ़ेगा, और जो इस नदी का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको यहाँ काफ़ी कठिनाई होगी। हालांकि प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ से स्थान छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों की व्यवस्था ना हो पाने के कारण लोग वहीं पर अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, और इस नदी का विकराल रूप जो धारण करती है नदी उसको कहीं ना कहीं सामना लगातार किया जाता है। पूरी तरीके से गौला नदी का जो क्षेत्र है वो हल्द्वानी से शुरू होता है, यहाँ पर जो बैराज है लगातार जब बैराज पानी आता है उसके बाद
छोड़ा जाता है तो पानी जब नीचे को जाता है तो यहाँ से लालकुआ के जो कई इलाके हैं वो वहाँ तक पहुँचता है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि तबाही लगातार मचाई जाती है। वहीं प्रशासन ने लगातार यहाँ पर जो कोशिश की है और जो यहाँ पर तैयारियाँ की हैं लगातार उसको देखते हुए प्रशासन लगातार बुझता है, 24 घंटे अलर्ट भी यहाँ पर अधिकारी को रखने के लिए कहा जा रहा है और पूरी तरीके से बारिश से निपटने की तैयारी यहाँ पर करने की बात लगातार अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। अमित चौधरी, ANV न्यूज। उत्तराखंड के हल्द्वानी के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए आम जनता को नदी और नालों के किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को नदी और नालों के किनारे साइनेज लगाने के निर्देश दिए हैं जिनसे आम जनता को वहां जाने से रोका जा सके। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद गौला नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। अभी सामान्य है, लगभग अभी 1100 क्यूसेक पानी है और कल लगभग 10000 क्यूसेक पानी था, तो अभी नॉर्मली है। और हम यहाँ पे हमेशा ड्यूटी में रहते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे, और रात को भी अगर जरूरत पड़े हम हमेशा तत्पर रहते हैं यहाँ पे ड्यूटी पे। डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट ना आए, कोई जैसे लकड़ी निकालने आते हैं पहाड़ों से, लकड़ी बह के आती हैं या कोई बच्चे आते हैं तो उन्हें यहाँ से हटाया जाता है और नदी किनारे हम किसी को नहीं आने देते हैं और बाकी रेस्क्यू में हम रहते हैं यहाँ पे। राजधानी देहरादून के कमला नगर में उत्तराखंड पेयजल निगम के देहरादून कार्यालय भवन निर्माण एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया जिसके लागत करीब 8 करोड़ की है। 5 मंजिला इस इमारत के निर्माण से सालाना 15 लाख रुपए बचाए जा सकेंगे जो कि पेयजल विभाग प्रतिवर्ष किराए के रूप में देता है। साथ ही विभाग से संबंधित सभी काम एक ही छत के नीचे किए जा सकेंगे जिससे कि जनता को भी सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर CM धामी ने कहा कि भवन निर्माण से अब किराया बचेगा, साथ ही लैब बनने के कारण टेस्टिंग के क्षेत्र में भी लाभ होगा जिसके कारण अब विकास के काम तेजी से हो पाएंगे। हमारे पेयजल निगम के कार्यालय किराए के भवनों में चलते थे और अब यहाँ पर तीन कार्यालयों का एकीकृत भवन बन जाने से एक तो किराया बच जाएगा और साथ में लैब जो बनेगी वो लैब भी जो है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी उससे लाभ होगा। और पिछले एक साल के अंदर 26 नई लैबों का यहाँ पर जो है शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, काम करना शुरू कर दिया है। तेजी से हमारे निगम भी काम कर रहे हैं और निगम जहाँ एक तरफ अपनी अवस्थापना संरचना को बढ़ा रहा है, अपने कार्यालय बना रहा है, भवन बना रहा है, अपने काम करने के ऑफिस बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जो उनकी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को भी कम कर रहा है। उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत के साथ ही जलभराव की समस्या भी सामने आने लगी है जिसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में हाल ही में हुए जलभराव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और तात्कालिक रूप से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को तत्काल नहरों में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए सिंचाई की नहरों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बद्रीपुरा में घरों में पानी घुसने की स्थिति को रोकने के लिए सिंचाई विभाग की नहर में दीवार ऊंची करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दूसरा प्रॉब्लम जो है जो PWD काम नहीं करती है, वो कहती है कि यहाँ पे लीकेज है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा एक ऐसी जगह जहाँ पे टालमटोल होती है। संस्थान को 10 दिन का समय दिया गया, वो स्वयं सर्वे कर लें उनके लीकेज कहाँ कहाँ पे हैं और 10 दिन में वो लोग नहीं ठीक करते हैं तो फिर इसको हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से सर्वे करने के लिए बोला है। तीसरा, जो नहरें हैं बरसात में क्योंकि भरती हैं इसलिए लगातार साफ होना भी इनका आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार साफ़ कर दिया तो ओवर हो गया। इसमें मैंने DM नैनीताल से कहा है कि इसमें जो हमारा डेबरी रिमूवल का पैसा है, डेबरी रिमूवल का पैसा आपदा में हमें मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम डेबरी रिमूव करें, वो संस्थाओं के पास रहे, ये लगातार होता रहे। ऐसे एरियाज जहाँ पे कि बार बार कूड़ा जमा किया जाता है, बार बार कूड़ा डाला जाता है या बार बार कूड़ा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है जो बाद में नहर में घुस जाता है, इनके लगातार चालान करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा टेम्पररी इंक्रोचमेंट जो कि इसका बहुत बड़ा कारण बन रहा है जिससे कि शहर में जल भराव हो रहा है उसको भी चिन्हित करें, नोटिस दें और हटाएं, क्योंकि एक एंक्रोचमेंट से शहर डूबे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक मुद्दा इसका जो वॉकवे मॉल के पास वाला नाले का है उसका आया था, और उसमें मैंने ये कहा है कि मौके पर एक बार देख लें इसको, अगर इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं टेम्परारीली तो उसका पैसा हमसे डिमांड कर लें। एग्जिस्टिंग नाले में कुछ अगर दिक्कत है तो उसको भी ये ठीक कर लें। बद्रीपुरा वाली जो नहर है उसमें कुछ जगहों पर जहाँ से पानी ऊपर बहता है वहाँ पर हम दीवार की ऊँचाई थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि पानी ना आए। सिमिलरली वहाँ पर भी जो जल संस्थान को पाइप्स निकालने के लिए पैसा बहुत पहले दिया गया था जिसमें कि कबाड़ा फंसता है, उन पाइपलाइंस को हटाने के लिए भी मैंने जॉइंटली इसमें कहा प्रशासन वाले भी और डिपार्टमेंट वाले भी मौके पर जाएं। उत्तराखंड के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर द्वारा प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम दिन वर्ग का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय भी मौजूद रहे। बताया गया है कि प्रशिक्षण वर्ग में कुल 14 सत्र होंगे, जिसमें बीजेपी सैद्धांतिक वैचारिक और मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियों और कार्य पद्धति की जानकारियां प्रशिक्षण का मुख्य रूप से हिस्सा होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, वो राजनीतिक दल समाज के प्रति संकल्प के साथ जवाबदेही हो, प्रशिक्षण उसका प्रमुख अंग है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण को अपनी पार्टी का एक प्रमुख अंग बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र से लगाकर और नीचे मंडल स्तर तक हमारे यहाँ प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। हम हमारे राज्य में अभी तक 252 मंडल हैं, सब में प्रशिक्षण कर चुके हैं। 14 जिलों का प्रशिक्षण हमारा हो चुका है। आज प्रदेश का प्रशिक्षण यहाँ संपन्न होगा। इससे अलग हमारे सभी मोर्चों का प्रशिक्षण की तारीखें तय हो गई हैं। उसके बाद हम जिलों के मोर्चों के प्रशिक्षण भी प्रारंभ करेंगे, यानी उसके बाद विधायकों का और अन्य जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक अनिवार्य व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण के कारण हमारा कार्यकर्ता समाज के प्रति और संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ, भावना के साथ जवाबदेही बनता है। हमारा कार्यकर्ता जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समाज के बीच में जाता है तो परिपक्व एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जैसा रहे, इस प्रकार के आधुनिकता के इस दौर में एक और जहां लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भी कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों को कांवड़ से यात्रा कराने निकले हैं। गाजियाबाद के रहने वाले विकास गहलोत अपने माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप और सैकड़ों किलोमीटर के सफर की परवाह किए बगैर अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकले विकास गहलोत की तस्वीरें काफी भावुक करने वाली हैं। सर मेरा गांव गाजियाबाद में गांव पड़ता सर, मीरपुर हिंदू ट्रोनिंग सिटी। सर मेरे मन में सर ऐसा कुछ नहीं था, मेरे मन में ये था कि श्रवण कुमार को आज भी दिखाना है कि श्रवण कुमार भी कहीं जिंदा है। अगर श्रवण कुमार ऐसा काम नहीं कर पाते तो सर आज हम भी नहीं कर पाते। तो क्या नहीं सर, मेरी कोई मान्यता या कोई मांगना कुछ नहीं है सर, कर्म करो फल तो अपना आप मिल जाएगा सर। मेरा तो यही, मैं माँ बाप की आंखों को सर इसलिए पट्टी बांध रखी है कि सर वो मेरे दुख को देख कर भयभीत ना हो जाए और ज़्यादा पीड़ना ना सह पाए। वजन तो सर 125 kg। कैसे ले गए? तो कोई नहीं सर, वो बोले है ना, उसका हाथ है अपने सिर पे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर एक सपना होता है सर? हाँ सर, मेरा सपना था, मैं आज पूरा कर दूंगा सर, ये मुझे विश्वास है सर। बोले पे उन बोलों को क्या देना चाहोगे यात्रा में आते हैं, किस तरह जोश बनने का काम करोगे? सर मैं क्या कहना चाहूँगा वो तो देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। रुद्रपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बरसात के अलर्ट को देखते हुए जिला आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलवार बरसात की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौसम की जानकारी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद की तहसीलों में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियों, मोबाइल टीमों से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
आज जनपद में रेड अलर्ट घोषित है और पूरा प्रशासन रेड अलर्ट पर है। आज कंट्रोल रूम का मुआयना किया और साथ में जो तहसीलें हैं उनसे बातचीत की और क्षेत्र में समस्त हमारी पटवारी चौकियां कार्यरत हैं और जो मोबाइल टीम से वो भी फील्ड में सक्रिय हैं और हम लोग किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालय बागेश्वर के नेतृत्व में आगामी 13 अगस्त 2022 को बागेश्वर जिले के सभी सचिव सिविल जनेंद्र जी का कहना है कि आगामी 13 अगस्त को बागेश्वर के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जानी सुनिश्चित है। इस लोक अदालत में पुराने सभी दीवानी फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे, जिन मामलों में कानून रजामंदी बन सके और जो मामले अभी तक न्यायालय के सम्मुख नहीं आ पाए हैं उन सभी मामलों की भी लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है ऐसे मामले और सिविल के भी मामले और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर और भरण पोषण के मामले और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा, जैसे चेक बाउंस के मामले, पैसे के लेन देन के मामले, भरण पोषण के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, बिजली पानी और टेलीफोन संबंधित बिलों वगैरह, अगर नगर पालिका का किसी का जो है बिलों वगैरह की जो है वसूली, तो वो सब भी जो है सुलह समझौते के आधार पर संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर जो है निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर है। दो साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। इस बार का कांवड़ मेला दो साल से कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए भी संजीवनी साबित हो रहा है। हरिद्वार में जगह जगह पर खाने पीने, भगवा कपड़े और कांवड़ के साथ सजावट वाले बाजार सजे हुए हैं। देखिए कांवड़ का मेला ऐसा होता है कि इस कांवड़ के मेले में हर आदमी का वो रहता है, क्या कहते हैं, आशा लगा रहता है इस मेले को लेकर। इसमें जो भी चीज़ है कांवड़ से लेके प्रसाद लेके जो भी सामान कांवड़ियों के लिए होता है वो सारे चीज हम लोग बेचते हैं, हम कांवड़ियों को उपलब्ध कराते हैं सारी चीज़ें। कोरोना के काल देखिए दो साल से हम लोग मंदी का मार झेल रहे थे, किसी तरह कर्जा लेके इधर उधर से अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन दो साल के बाद जब मेला चालू हुआ है तो हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि मतलब हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे इस मेले से। क्या क्या बेचते हैं? हम टोपी बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, बेल्ट बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, यही सब बेचते हैं हम। सही है, इस समय तो माहौल बढ़िया है, अपना लगा रहे 10-8 दिन की बात हो रही है, अपना हो जाए फिर अच्छी बात है, सबका काम धाम सही चलेगा और क्या, जो टूटे पड़े वो सब मजबूत हो जाएंगे थोड़ा। कोरोना के कारण क्या क्या हो रहा था उधर? तो वो कुछ नहीं था भैया, 3-4 महीने तो बिल्कुल ही नहीं लगा, बिल्कुल परेशान ही रहे दो साल तो ऐसे ही सब। अब थोड़ी राहत जागी है, थोड़ा अपना लगा रखा है दुकानों में, सब भोलेनाथ की कृपा है। रुड़की जेल में मुजरिम को ला रही पुलिस की गिरफ्त से एक कैदी फरार हो गया। दरअसल लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा आज कई मुजरिमों को न्यायालय में पेश कर रुड़की जेल लाया जा रहा था, जब पुलिस कैदियों को लेकर छोटी बस के जरिए रुड़की आ रही थी तो इसी दौरान नगला इमरती गांव के पास लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रायपुर निवासी सिकंदर पुत्र हसीन नामक कैदी ने चलती बस से छलांग लगा दी। वाहन को रोककर अन्य पुलिसकर्मी भी उसके पीछे दौड़ पड़े, मगर पुलिस की कैद से फरार मुजरिम उनके हाथ नहीं आ पाया। सूचना पाते ही लक्सर कोतवाली सहित रुड़की और मंगलौर की पुलिस भी हरकत में आई। वारंटी था रायपुर गांव का है, लक्सर का वारंटी था, कल गिरफ्तार हुआ था, आज न्यायालय में पेश किया था, न्यायालय ने इसे जो है जेल के लिए आदेश किया था, तो वहीं से जो है जेल के लिए 6 मुलजिम लेके आ रहे थे, 6 कर्मचारी थे, तो यहाँ से ये खिड़की से उतर के जो है भाग गया है, उस समय बरसात हो रही थी उस समय भाग गया। तो
क्या कारण रहा भगवान, क्या हथकड़ी नहीं लगाई? अभी ये तो उसको ही पता हो सकता है, हथकड़ी तो हर एक के नहीं लगाई जाती और केवल सुरक्षा वैसे रखा जाता है। और न्यायालय से चूंकि न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था तो पर्सनल ड्यूटी भी थी उसकी, तो यहाँ अधिक बारिश हो रही थी, खिड़की से कूद के भाग गया। कर्मचारियों ने पीछा भी किया है, अभी तक जो है मिल रहा है, कॉमिंग की जा रही है। क्या समय रहा होगा? ये करीब 5:30-6 के आसपास की बात है। तो अभी कॉमिंग चल रही है, अभी तो सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। नैनीताल जनपद में मौसम विभाग द्वारा कल के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके चलते डीएम नैनीताल ने जनपद के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पानी के बहाव के समय नदी नाले और रपटे को लोग अनावश्यक रूप से पार ना करें, पानी का जलस्तर कम होने के बाद ही लोग अपने गंतव्य की ओर जाएं। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है, कोई भी मार्ग में पड़ने वाला नाला या रपटा जिसमें तेज बहाव हो को पार करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जब ये बहाव कम हो जाए तभी वो मार्ग पार करें। इसके अतिरिक्त गोला के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ और किसी भी आपातकाल की परिस्थिति में किसी भी आकस्मिक सहायता के लिए मेरा नंबर 24 घंटे खुला है, मेरे नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। एसडीएम जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि क्षेत्र में इस बार मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी भी बनाई गई है। बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम पर इस दौरान तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बात करें तो हमारे दो कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसमें कि एक कंट्रोल रूम तहसील में है और एक बाढ़ नियंत्रण चौकी बनी हुई है जो कि राजपुर में बनी हुई है, जिसमें कि 24 आवर्स यहाँ पर काम करते हैं लोग। हम लोगों ने जो बचाव की स्थिति के लिए एक मीटिंग भी की हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने सारे पटवारी को निर्देशित किया हुआ है कि कुछ दुकानों का चिन्हीकरण कर लेंगे कि जिसमें कि हम लोग जो हमारी राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा सके उस दुकानों में, ताकि तत्काल जो हमारे रिस्पांस टाइम है वो 0 रिस्पांस टाइम होते हुए और वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। और बाढ़ में अगर पानी किसी के घर में घुसता है तो जो हमारे सिंचाई विभाग वाले हैं तो उनको भी निर्देशित कर दिया है कि ये मौके पर लगातार। केंद्र सरकार ने देश की जनता को मुफ्त कोरोना बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद कोरोना की बूस्टर डोज लगाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और वैक्सीन सेंटरों में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। वहीं अल्मोड़ा सीएमओ ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद में 2,51,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सभी चयनित सेंटरों में लोग इस डोज को लगवाने आ रहे हैं और बूस्टर डोज का लाभ ले रहे हैं। कोरोना के टीके हम लगातार लग रहे हैं, तो अभी भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन के उसमें जो है 18 प्लस में बूस्टर डोज लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे इसमें 2,21,000 यहाँ का जो टारगेट है, तो हमारे यहाँ पे ये बूस्टर लगाने शुरू भी हो गए हैं। कितने स्थानों पे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे जनपदों में सभी जगहों पर, जहाँ पर भी ब्लॉक स्तरों पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, जहाँ पे भी पूर्व में स्थापित सेंटर थे। उत्तराखंड के थराली में ठेकेदार संघ ने उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन में सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी पत्र जमा न करने की दशा में 5 गुना रॉयल्टी वसूल करने के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की गई है। ठेकेदारों ने सरकार के रॉयल्टी संबंधी इस आदेश पर आपत्ति दर्ज कराई। ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में पहले ही विभाग द्वारा रॉयल्टी काट ली जाती है,
लेकिन सरकार द्वारा नया शासनादेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी प्रपत्र विभाग में जमा न कराए जाने पर ठेकेदार पर 5 गुना वसूली की जाए। ठेकेदार संघ ने सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए इस शासनादेश को निरस्त करते हुए पुराने नियम को ही यथावत रखने की मांग की है। रॉयल्टी के संदर्भ में था, जब पहले से ही पीडब्ल्यूडी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसकी रॉयल्टी पीडब्ल्यूडी वर्किंग एजेंसी जो भी होती है वो उसकी रॉयल्टी काट लेती है, उसके जितना वर्क होता है उसका मेजरमेंट करके उसमें जितनी उसकी क्वान्टिटी निकलती है उसके अकॉर्डिंग पहले भी संबंधित विभाग उसकी रॉयल्टी काट देता था। तो अचानक ही आज इस टाइप का फरमान कैसे लागू कर दिया गया है और इसी के साथ सभी ठेकेदारों का और कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक रही है जो सभी को विश्वास में लेकर के इन निर्णयों को नहीं लिया गया। और अतः आप लोगों से आपके माध्यम से मेरा शासन से निवेदन है कि आप अपने इस शासनादेश को वापस लें और पुनः और पूर्व की भांति ही इसको लागू किया जाए। सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा, छोटे मझोले ठेकेदारों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें उप खनिज परिवहन वहन पत्र 11 जो होगा जे फॉर्म 11 उसके बिना जो है बिलों का भुगतान नहीं होगा। अगर वो फॉर्म संलग्न नहीं होगा तो ठेकेदार के बिल से 5 गुना कटौती अथवा 2 लाख के जुर्माना लगाने का प्रावधान ये शासनादेश में किया गया है। हमारा ये कहना है जब ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्यस्थल पर कार्य किया जाता है विभाग द्वारा स्वतः ही उसमें जो रॉयल्टी काटी जाती है, हमारा कहना है कि जो जहाँ पर हम खुदान कर रहे हैं उसी वहीं के पत्थर मिट्टी इत्यादि के प्रयोग करके जो है रेत का प्रयोग करके हम निर्माण कार्य करते हैं और विभाग उसका MB के अनुसार उसका जो है रॉयल्टी काटता है। लेकिन अभी जो है सरकार ने खनन माफियाओं के दबाव में उनसे साठ गांठ करके ये शासनादेश जारी किया है कि बिना खनन पट्टे से और क्रेशर से जो फॉर्म जे होता है बिना उसके कोई भुगतान नहीं होगा। अगर उसके बिना भुगतान होगा तो 5 गुना रॉयल्टी काटी जाएगी अथवा 2 लाख का जुर्माना। ये एक तुगलकी फरमान है, हम इसके विरोध करते हैं, सारे समस्त ठेकेदार जन इसका विरोध करते हैं और शासन से अपील करते हैं कि शासनादेश निरस्त। उत्तराखंड में टनकपुर के नाले में आज स्कूल बस बहने की घटना के साथ ही पूर्णागिरी दर्शन को आए तीर्थयात्रियों के मार्ग में फंसने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। पूर्णागिरी तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मार्ग को अब बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा माता पूर्णागिरी मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर अगले 3 दिन के लिए 21 तारीख तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रॉकर हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर कि ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना रहती है वहां पर पुलिस की तैनाती करी गई है। SDRF और जल पुलिस की भी घाटों में तैनाती करी गई है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके। डेफिनेटली हमारे द्वारा जो आज भी जो घटना हुई है उसके स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करी गई है कि ऐसी जो घटना किस कारण से हुई उसकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस और RTO जो हमारे हैं वो भी इसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी जो भी इसमें कारण रहा होगा। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।